प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स ड्राइव में क्या होता है बदलाव, ये आज जानेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे बदलाव एक स्त्री के बदन में होते हैं। साइकोलॉजिकली और फिजिकली बहुत ज़्यादा बदलाव होते रहते हैं, तो वो क्या हम जानेंगे। एक तो क्या है कि ईस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रॉन, ये जो दो हार्मोन्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन होते हैं, इनकी लेवल जो है, इनका स्तर जो है ये हार्मोन्स का, ये कम ज़्यादा बहुत होते रहता है। शुरू में बहुत ज़्यादा होता है, पहले 3 महीने में, फिर कम होता है, फिर ज़्यादा होता है। तो इसमें मूड स्विंग्स फिर बहुत ज़्यादा होते हैं, ये हार्मोनल लेवल्स कम ज़्यादा होने से। ये हार्मोन्स बहुत ज़रूरी है बेबी के डेवलपमेंट के लिए, दूध आने के लिए। तो ये हार्मोन्स से बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं और इससे फिर इच्छा कम ज़्यादा हो सकती है। दूसरा है, उनको मॉर्निंग सिकनेस रहता है लेडी को, स्त्री को। मॉर्निंग सिकनेस मतलब ऐसा है कि सुबह उठने के बाद में जी मचलाना, उल्टी ऐसा लगना, मुंह में ऐसा कड़वापन आना या मुंह में पानी आना, ऐसा होता है। तो उससे भी उनकी सेक्स की इच्छा बहुत कम हो जाती है। थकान आती है बहुत ज़्यादा। फिर ब्रेस्ट जो है उसकी डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, और ब्रेस्ट जो है, स्तन, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाते हैं। भूख ज़्यादा लगती है, और फिर ये सब होने से उसकी सेक्स की इच्छा जो है वो कम होती है। वजन भी बढ़ना शुरू होता है, तो इससे फिर सेक्स की इच्छा कम होती है। मूड नहीं रहता है और उसको चिंता रहती है अपने बच्चे की। पहले 3 महीने में सेक्स किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर चौथा, पांचवा और छठवा जो महीना है उसमें सेक्स नहीं करना चाहिए। और सातवां, आठवां, नौवां महीना उसमें कर सकते हैं, मगर उसमें फीमेल ऑन टॉप पोजिशन, मतलब फीमेल ने, स्त्री ने ऊपर से आना है और आदमी नीचे से रहना है, ताकि पेट के ऊपर दबाव नहीं आएगा। तो इस तरह से सेक्स कर सकते हैं। क्या होता है कि यदि पहली हिस्ट्री है अबॉर्शन की, है ना, पहले कुछ ना कुछ, या योनि में कुछ गड़बड़ हो रही है, या योनि में कोई जख्म हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, या कुछ अबॉर्शन के चांसेस है, तो सेक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में। सेक्स की इच्छा नहीं है और सेक्स कर रहे हैं, तभी भी क्या होता है, फिर प्रॉब्लम होता है, और फिर आदमी को मज़ा नहीं आता है, जल्दी गिर जाता है, और फिर उसको भी लगता है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फिर कभी कभी इरेक्शन भी कम हो जाता है, क्योंकि स्त्री कोऑपरेटिव नहीं है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो ये सब समझ लिया तो प्रॉब्लम नहीं आएंगे। इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि इच्छा नहीं है तो फिर ठीक है, फोर प्ले करो, एक दूसरे को एक्साइट करो, और एक्चुअली इंसर्शन मत करो, मतलब योनि में लिंग का प्रवेश मत करो, बाकी सब करो जो करना है वो। कुछ महिलाओं में पहले 3 महीने में और आखिरी 3 महीने में सेक्स की इच्छा ज़्यादा होती रहती है। वो अलग अलग अपना बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है उसके ऊपर है। कुछ महिलाओं में पहले 3 और आखिरी के 3 कम रहती हैं, बीच के 3 बहुत ज़्यादा होती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। इसलिए बेस्ट ये है कि पूछना चाहिए इच्छा है कि नहीं है। इच्छा है तो करो, नहीं इच्छा है तो मत करो। एक तो क्या है कि खुलकर शेयर करो, स्त्री ने भी खुलकर शेयर करना चाहिए, पुरुष ने भी खुलकर शेयर करना चाहिए। और हर बार और कभी भी वुमन ऑन टॉप पोजिशन, फीमेल सुपीरियर पोजीशन करते हैं कि लेडी ऊपर से है, आदमी नीचे से, तो हरदम के लिए अच्छा है। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स की इच्छा नॉर्मल रखने के लिए या सेक्स ठीक होने के लिए, एक तो खान पान अच्छा जरूरी है, नींद अच्छा लेना जरूरी है। कुछ महिलाओं में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि क्या है कि जो गर्भ रहता है उसको भी ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है, बॉडी में भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है, और उसमें क्लाइटोरिस जो है यूनिलिंग, उसको भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वो मोटा होता है, और ऐसे समय उसकी सेक्स की इच्छा ज़्यादा हो सकती है। और स्पेशली पहले एबॉर्शन है और इच्छा भी ज़्यादा हो रही है, पहले एबॉर्शन हुआ है, तो ऐसे समय इच्छा भी होने के बावजूद भी नहीं करना चाहिए। और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है एबॉर्शन का, MTP पहले हुई है, एबॉर्शन पहले हुआ है, नेचुरल एबॉर्शन हुआ है, ऐसा मतलब कुछ भी है तो सेक्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ हिस्ट्री नहीं है तो बिल्कुल सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्स की इच्छा ज़्यादा है
तो वो सिक्स की इच्छा पूरी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इन शॉर्ट क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान स्त्री की सेक्स की इच्छा बढ़ सकती है पहले 3 महीने में। एक तो ब्लड फ्लो बढ़ गया करके बढ़ सकती है, इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन लेवल बढ़ गया करके हो सकती है। दूसरे आखिरी के 3 महीने में फिर इच्छा बढ़ सकती है, वही कारण है इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन लेवल बढ़ गए और ब्लड फ्लो बढ़ गया। बीच के जो 3 महीने उसमें हो सकता है कि इच्छा कम हो गई। अभी ये कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसे ही होता है, कम ज़्यादा हार्मोनल लेवल्स होते जाती है और फिर उसमें ऐसी कम हो गई तो कम ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लड फ्लो होने से इच्छा बढ़ सकती है, केयर इतनी लेनी है कि भाई गर्भ को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हैं। थैंक यू।